भारत लेकर पहुंच गया। ऐसे ऐसे हथियार जो चीनी सेना ने सपने में भी कभी नहीं देखे थे, पहली बार देखे गए। मोदी के ड्रीम वॉर वेपन, भारतीय सेना ने पहली बार बॉर्डर पर उतारे वो हथियार जो ना तो चीन और ना ही दुनिया ने कभी देखे होंगे। दोस्तों, आज चीन भारत सीमा तनाव को लेकर एक ऐसी शानदार खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल बाग बाग हो गया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना के पास जल्द ही ऐसे ऐसे हथियार आने वाले हैं जो दुश्मन ने कभी देखे भी नहीं होंगे, फिर चाहे बात चीन की हो या फिर दुनिया के किसी और देश की। और दोस्तों, उन हथियारों पर दुनिया का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने वो नायाब हथियार चीन की छाती पर उतार दिए हैं जो एक ही वार में चीन को तहस नहस कर डालने का मादा रखते हैं। वहीं दोस्तों, इन हथियारों को लेकर भारत की तैयारी अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया तक मजबूत हो चुका है। यानी चीन पर भारत को जीत की गारंटी देने वाले हथियार उतार दिए गए हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि आप भी इन हथियारों की ताकत जानेंगे तो भारतीय सेना को सलाम किए बिना नहीं रहेंगे। चीनी सेना ने पहली बार देखे भारत के बनाए हथियार। भारत के स्वदेशी तकनीक से बनाए हथियार का मचा भौकाल। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। भारतीय सेना आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए हथियार और क्षमताएं जोड़ रही है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। सेना ने दुनिया के सबसे ऊंची नदी घाटी में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फुट पर तैनात किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बत क्षेत्र से होकर बहती है। अब इस नदी पर भारत के बनाए हथियार आग उगल रहे हैं। आपको बता दें कि धनुष होविट्ज़र 48 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला कर सकता है और इसे पिछले साल ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में शामिल किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए स्वदेशी तोप धनुष होविट्ज़र तैनात है। यह 48 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। इस तोप का निर्माण 2010 में शुरू किया गया था जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। यह 13 टन वजनी है। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के कैप्टन वी मिश्रा ने AN से बातचीत में बताया है जल्द ही 114 तोपें और सेना से जुड़ने वाली हैं। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का जलवा, जबरदस्त भारतीय तकनीक का सबसे नया उदाहरण। दोस्तों, सबसे कमाल का हथियार है M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल जो सैनिकों को तेज गति से ले जाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। यह युद्ध के लिए तैयार 10 सशस्त्र सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा की फॉरवर्ड लोकेशंस पर ले जा सकता है। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारियों ने कहा है कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी यह लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ऐसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंद्वी सैनिक अग्रिम स्थानों पर जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को पिछले साल शामिल किया जाना शुरू हुआ था। सेना की पूर्वी लद्दाख सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में अधिक संख्या में ऐसे वाहनों को शामिल करने की योजना है। गणतंत्र दिवस की परेड में आपने M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल की झलक देखी होगी। इसे इंडिया में ही बनाया गया है। गलवान में चीन की सेना से झड़प के बाद बॉर्डर पर मूवमेंट के लिए इस तरह के वाहनों की जरूरत समझी जा रही थी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक यह वाहन पहाड़ी इलाकों में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें एक साथ
10 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर ऑल टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है। यह एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग दुर्गम चौकियों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह वाहन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में भी काम कर सकते हैं। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारी ने कहा है कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैनिक गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंदी सैनिक अग्रिम स्थानों तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सेना को मिला नायाब टाटा रजक सिस्टम। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अपना निगरानी तंत्र भी मजबूत किया है। यहाँ पर टाटा रजक का एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है जो 15 किलोमीटर दूर हुई इंसानी गतिविधि और 25 किलोमीटर दूर हुई वाहनों की गतिविधि का पता लगा सकता है। जहाँ 2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद पहली बार बलों को तैनात किया गया है। नई टाटा रजक प्रणाली के रूप में सेना की सूची में निगरानी उपकरणों को भी मजबूत किया गया है। भारतीय सेना की यह सबसे नया और आधुनिक हथियार है जो 15 से 16 किलोमीटर से अधिक दूरी से मनुष्यों और 25 से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी से वाहनों का निरीक्षण या पता लगा सकता है। नए उपकरणों सेनाओं को LAC के पार विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रहे हैं। सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मेड इन इंडिया K9 वज्र स्वचलित तोपखाने बंदूक को शामिल करने की भी योजना बना रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वहीं दोस्तों, सेना को ऐसे 100 से अधिक बंदूकें मिल सकती हैं जिनकी आपूर्ति LNDT अपने हजारा प्लांट से की है। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से निपटने के लिए सैनिकों को लैस करने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्रदान की हैं। आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से किए गए प्रत्यक्ष अधिग्रहण के बाद निकट भविष्य में मेक इन इंडिया मार्क से ऐसी तीसरी पीढ़ी की मिसाइलों की अधिक संख्या की उम्मीद है।